हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जिनके एग्जाम बाकी हैं। भैया यहाँ पे जो जीके के क्वेश्चन आए हैं वो कैसा है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि भैया यहाँ पे कंपटीशन किस कोर्स के अंदर कितना है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों सीयूटी के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत बच्चों के एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं, तो आपके पास में जो बैकअप कॉलेज बचे हुए हैं यूपी कॉलेज, हरिश्चंद्र, डीडीयू लखनऊ, तो भैया आप लोग यहाँ पे भी ट्राई कर रहे हो, जिसमें से यूपी कॉलेज का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। विद्यापीठ का एग्जाम 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे यूपी कॉलेज को फोकस किए, जिनको एडमिशन यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो भैया उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अभी एग्जाम बाकी हैं वहां पे कैसे आएंगे जीके के क्वेश्चन आपके, और दोस्तों किस कोर्स में कितना कंपटीशन है। तो चलिए यही देखते हैं। तो यूपी कॉलेज प्रवेश परीक्षा 2023, ठीक है ना, जीके के बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपटीशन कितना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। अब दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न आसान, दोस्तों पेपर में भी छप गया है कि जो जीके के आपके क्वेश्चन आए वो बहुत ही बेसिक लेवल से आए हैं, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा फोकस नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ओके, कि ये बर्ड सेंचुरी कहाँ पे दोस्तों आपके इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों कि यहाँ बताया गया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आसान आए, तो जीके के आसान क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जिसके आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ठीक है ना। अब दोस्तों वनस्पति विज्ञान में उलझे छात्र, भैया इसका एग्जाम कठिन हुआ होगा, ठीक है, 183 ने बीए की परीक्षा छोड़ दी, भैया मतलब एग्जाम ही नहीं दिया उन्होंने। और दोस्तों एमएससी में 24 वो क्या थे, अब्सेंट थे, ठीक है, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई यहाँ से कि भैया एग्जाम में जीके के क्वेश्चन आसान आए हैं। तो भैया आपका जो सब्जेक्ट है, आप होगा अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो, जीके पे उतना फोकस मत करो, वो तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अपना, चाहे आप किसी भी कोर्स के हो, तो अपने मेन सब्जेक्ट के कोर्सेज पे फोकस करो, ठीक है ना, उसी के आपका एडमिशन हो पाएगा, उसी पे फोकस करो, उसी से आपका एडमिशन होगा। अब दोस्तों किस कोर्सेज के अंदर कितना कंपटीशन है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और कंपटीशन कितना, ये भी देखो, बहुत कम कंपटीशन दोस्तों है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि देखो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ से देखते हैं बीएससी एजी यहाँ पे दिया हुआ है, बीएससी किसी के अंदर 165 सीट के अंदर 2200 लोगों ने अप्लाई किया, मतलब यूपी कॉलेज के अंदर केवल बीएससी एजी में ही सबसे ज्यादा कंपटीशन है। तो भैया जिसको भी, क्योंकि दोस्तों ये आईसीएआई से अफिलिएटेड है, यहाँ पे उसको पूरी मान्यता दी गई है। अब ये आईसीएआई क्या होता है, जो बच्चे बीएससी एजी का है उनको पता होगा, ठीक है। तो भैया 165 सीट यहाँ पे 2200 बच्चों ने अप्लाई किया है, ठीक है। एमएससी एजी, यहाँ पे एमएससी किसी मतलब एमएससी एजी के ये 30 सीटों के ये 600 आवेदन आए हैं, मतलब 600 लोगों ने अप्लाई किया है, तो देखा जाए तो कंपटीशन बहुत कम है। उसके बाद दोस्तों बीएससी मैथ के ये 420 सीटों के ये 1000 लोगों का आया है, जीव विज्ञान के ये 420 सीटों के ये 1000, और बीकॉम की 240 सीटों के ये दोस्तों 1000 आवेदन आए हैं। बीकॉम दोस्तों जो कि हम लोग का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, वहां पे आपके 240 सीटों के ये 1000 आवेदन, बहुत कम कंपटीशन है, मतलब किसी ने फॉर्म भरा था एडमिशन चांसेस बहुत ज्यादा, अगर उसने हम लोग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तो। उसका दोस्तों यहाँ पे बीए के 580 सीटों के ये 1100 आवेदन आए हैं। तो आपको ये देख के समझ में आ गया होगा भैया कि यूपी कॉलेज के अंदर कंपटीशन के नाम पे क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, तो आप लोग आराम से यहाँ पे एडमिशन पा सकते हो अगर आपने यहाँ का फॉर्म फिल किया है दोस्तों तो, ठीक है। एंड दोस्तों ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन कि जो भी एग्जाम होने वाले हैं जीके आसान आया है, और दोस्तों आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे, तो जिनके भी एग्जाम बचे हुए उनको ऑल दी बेस्ट। एंड ऐसे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब करो जो चैनल पे नए हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।